बच्चे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज यस हैप्पी ब्लॉग में आपके लिए एक नया रेसिपी लाई हुई है। पोहे मटर का नाश्ता बना के दिखाएंगे और बताइएगा कैसा हम बनाते हैं। और आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना था। तो देख सकते हैं कि मैंने सारे वेजिटेबल लिया हुआ अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने आलू लिया हुआ है, उसके बाद गाजर लिया हुआ उसे कट कर लिया है, गोभी लिया हुआ है, टमाटर लिया हुआ है, शिमला मिर्च लिया हुआ है, प्याज लिया हुआ है, मटर लिया हुआ है और सरसों लिया हुआ है और जीरा लिया हुआ, उसमें थोड़ा सा ऐड है, आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं। कटा हुआ मिर्च, नींबू, अदरक, कद्दूकस लिया और करी पत्ती, गरम मसाला, हल्दी, कटा हुआ अदरक है, आप काजू बादाम भी ले सकते हैं। और मेरे पास नारियल था, मैंने मूँगफली लिया, इसे भी हमें तलना है। और मैंने नमक लिया है, इसमें हम थोड़ा सा शक्कर भी ऐड करेंगे। और हाँ, पोहे को मैं अच्छे से वॉश करके एक तरफ रख दी थी, आपको दिखा नहीं पाई। तो चलिए हम आपको अलग प्रोसेस दिखा रहे हैं। कढ़ाई रख दी है, इसमें हम ऑयल ऐड कर लिए, बहुत ज़्यादा नहीं किए, एक स्पून लिए हैं। तो मैं जीरा को कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ और ऑयल गर्म हो चुका है तो ये पक रहा है। अब इसमें हम अदरक ऐड कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं इसमें प्याज डालना भूल गई थी, आप प्याज डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं करी पत्ती ऐड कर दी हूँ और इसमें और अब मिर्ची ऐड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और बताइएगा मैं पोहे का नाश्ता कैसा बनाई थी, जिसे हम भूल गए हैं। अब इसमें हम प्याज ऐड प्याज तो भूल गई थी कटा हुआ आलू है जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ऐसे वेजिटेबल सब अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब इसमें हम कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट किया हुआ है तो इसे भी हम भुनेंगे। तो आलू और गाजर को मैं अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी एक दो मिनट। और मैं हाँ आपको पोहा भी दिखा दे रही हूँ, इसे हम लोग चूरा भी बोलते हैं, बहुत जगह पोहा बोलते हैं और चूरा भी। तो इसे मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और दो चार मिनट के लिए मैंने रख दिया है, तो बहुत खुला खुला फूल गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब आप दिखाने जा रहे हैं जो भुने हुए हैं। तो देखिए, एक दो मिनट हो गया, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। इसमें हम गोभी ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो बिना वेजिटेबल का भी बना सकते हैं पोहे का नाश्ता, चाय के साथ आप खाइएगा शाम को, चाहे सुबह बच्चों को टिफिन भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी को पसंद आएंगे। तो इसमें हम मटर अब ऐड कर रहे हैं, इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो प्याज में भूल गई थी तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी भुन जाएगा और स्वाद आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं बहुत सारा टाइम लगाऊंगी, दो चार मिनट मैं लगाऊंगी स्लो आंच पे, तो प्याज इससे भी भुन जाएगा। जैसे मैं ढक रही हूँ, दो तीन मिनट मैं अच्छे से इसको भूनूंगी। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से ओपन करके भून रही हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही लाजवाब पोहे का नाश्ता हम बना रहे हैं। तो ये देखिए, शिमला मिर्च है और टमाटर है, इसे भी हम मिक्स कर ले रहे हैं अच्छे से और बहुत ही डिलीशियस पोहे का बनाते हैं हम। और इसमें हम नमक ऐड कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा शक्कर ऐड करेंगे, आपको अच्छा लगे तो शक्कर को डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच शक्कर डाला है, बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाला। इसमें हम हल्दी ऐड कर रहे हैं, ये गरम मसाला है, और ये थोड़ा सा इसमें हम एवरेस्ट मसाला भी ऐड करेंगे। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी दोस्तों, कि मन कर रहा था ऐसे चम्मच लगाएं और खाना शुरू कर दें, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं, ये देखिए एवरेस्ट मसाला हम ऐड किए हैं। और आपके पास हाँ दोस्तों, नींबू ना हो तो अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम ढक रहे हैं पकाने के लिए, तो मैंने ढक दिया, दो तीन मिनट मैंने स्लो आंच पे इसे पका लिया है। तो वेजिटेबल एकदम अच्छे से पक गया है, तो इसमें हम नींबू ऐड कर रहे हैं, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके खाने का स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए नींबू हम ऐड कर रहे हैं। और देखिए, मैंने इसको भी अच्छे से तल लिया था और मूंगफली को दूसरे कढ़ाई में मैंने तला हुआ था, क्योंकि इसमें मैं पहले ही ऐड कर दी थी ये सब, तो इसलिए नहीं तल पाई थी। तो अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब ये पोहे इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक दो मिनट मैं
स्लो आंच पे पकाऊंगी। और देखने में कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने का तो बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट लगता है पोहे। और ठंडे का मज़ा सभी उठाओ तो खाओ और चाय के साथ, और बताओ कैसा बना मेरा पोहे का नाश्ते। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास जाए, और आप सब मेरा वीडियो वॉच करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो दोस्तों। वैसे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और जो किए उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैंने हरा धनिया कट किया हुआ था, इसे मैंने ऐड कर लिया है, तो मेरा पोहा एकदम तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर रहे हैं और झटपट में बना। हाँ थोड़ी सी वेजिटेबल कट करने में टाइम लगता है, लेकिन खाने का तो मज़ा ही बहुत अच्छा आता है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा मेहनत। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पोहा रेडी हो चुका है हमारा। तो देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी और पूछूंगी भी कि कैसा बना है। तो देख सकते हैं ये पोहे का नाश्ता तैयार हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ नारियल से। आपके पास काजू बादाम है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा? एक नंबर का। हाँ जब और सब्सक्राइब दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो रोहित जी बाइक कर रहे हैं और इनको खाने में बहुत मज़ा आ रहा है।